नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का जो वीडियो है वो सिंह राशि के लिए है, मई 2014 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। तो सूर्य चल रहा है जो आपकी राशि से नौवें स्थान में, जो उच्च राशि में है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, भाग्य में वृद्धि होने वाली है। और 15 मई के बाद जब सूर्य चलेंगे राशि से दसवें स्थान में तो ये भ्रमण भी बहुत शुभ है, राजयोग कारक है। व्हाट अबाउट बिजनेस एंड करियर? बुध चल रहे हैं आपकी राशि से दसवें स्थान में और ग्यारहवें स्थान में इस मंथ के दौरान, तो बिजनेस एंड करियर में भी वृद्धि होगी। एंड व्हाट अबाउट लव मैटर्स? शुक्र चल रहे हैं राशि से अष्टम स्थान में तो ये भ्रमण भी आपके लिए बहुत शुभ है, लव मैटर में भी सक्सेस रहेगी। लेकिन खास करके जो मंगल धन स्थान में चल रहे हैं तो कुटुंब के अंदर वाणी में आपको उग्रता ना हो जाए उसका खास केयर करना है और अपने आंखों की विशेष केयर करें। डेट्स पर्टिकुलरली आपको इस मंथ के केयर करना है, ये इस प्रकार है, 5, 6 और 7 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कर्क राशि में, तो कर्क के चंद्र के अंदर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि कर्क के जो चंद्र है वो राशि से 12वें स्थान के चंद्र हैं। और डेट्स आपको क्या करना है इस मंथ के अंदर वो इस प्रकार हैं, 23, 24 और 25 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मीन राशि में, तो मीन के जो चंद्र हैं वो राशि से अष्टम स्थान के चंद्र हैं। अष्टम चंद्र में आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये चंद्र जो है राशि से अष्टम स्थान के चंद्र होते हैं। इस चंद्र के दौरान आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है और कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करना है। यदि आपके कोई मित्र हैं सिंह राशि वाले तो ये वीडियो आपको उनको जरूर शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।